रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 66 साल के हो गए हैं। जन्मदिन पर कई कार्यक्रम देश भर में रखे गए, लेकिन पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने जन्मदिन पर मां हीराबा से आशीर्वाद लिया। हीराबा ने उन्हें शगुन के तौर पर 501 रुपए और एक पॉकेट भगवत गीता दी। साथ ही प्रधानमंत्री को गुजरात की मशहूर कंसार मिठाई भी खिलाई। एक माँ और बेटे के मिलने की तस्वीरें आपको भावुक कर देंगे। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। 66वें जन्मदिन पर पीएम मोदी आज जन्मभूमि गुजरात पहुंचे, माँ हीराबा से मिले, उनके साथ बैठकर हाथ थाम कर बातें की। मोदी 20 से 25 मिनट तक माँ के साथ रहे और फिर अपने जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लिया। नवसारी में पीएम मोदी सामाजिक अधिकारिता शिविर में पहुंचे। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। यहां पीएम मोदी ने दिव्यांगों को हियरिंग एड दिए। इससे पहले अहमदाबाद में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गुजरात के नवसारी में दिव्यांगों ने एक साथ 989 दिए जलाकर रिकॉर्ड बना दिया। यह अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। सूरत के एक शोरूम मालिक ने 200 दिव्यांग बच्चों और 55 एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को ब्रांडेड कपड़े तोहफे में दिए। सूरत में ही 3,750 किलो का पिरामिड के आकार का केक बनाया गया। गुजरात के लिमखेड़ा में पीएम मोदी ने आदिवासी विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की। देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। एक तरह से वो इस धरती पर भारत माता के लिए भगवान के एक वरदान है। बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मना रही है। प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी ऐप की मदद से सीधे बधाई दी जा सकती है। अहमदाबाद से भार्गव परीख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।